butt lately. You should be ashamed. All you do is push me, shut up! I'll handle it. वेलकम डियर ऑकर्ड्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मूवी समझाने वाला हूँ जिसका नाम है गिफ्टेड हैंड्स द बेन कार्सन स्टोरी। इस क्यूट दिखने वाले लड़के का नाम बेनी है। क्यूट तो है लेकिन साथ ही काफी बेवकूफ भी है। उसकी क्लास में सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन अगर बेनी की बात की जाए तो हमेशा सभी को पहले से पता होता है कि बेनी के कितने मार्क्स आ सकते हैं। हमेशा टेस्ट में बेचारे के मार्क्स 0 से 9 के बीच ही आते हैं। इस वजह से क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक ही बनाते रहते हैं और उस पर हंसते रहते हैं। वो खुद को दुनिया का सबसे नालायक इंसान समझता है। वो अपनी माँ को बोलता है, मम्मी मैं बहुत ही नालायक हूँ इसलिए कभी भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन उसकी माँ कुछ और ही सोचती है। वो हमेशा बेनी का हौसला बढ़ाती रहती है और हमेशा यही बात बोलती है कि बेटा तुम भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। ये कहानी एक सच्ची कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी जो सभी की तरह साधारण है, सभी की तरह खून और मांस से बना हुआ है। उसने ऐसे बड़े बड़े काम कर दिखाए जिनको करना बहुत ही मुश्किल था। पूरी जिंदगी काले रंग और भेदभाव की वजह से उसके दोस्त, टीचर्स, साथ काम करने वाले लोग हमेशा बेनी का मजाक बनाते आए हैं। लेकिन वो ऐसे ऐसे काम करके दिखाता है जो कि सिर्फ कोई जीनियस ही कर सकता है। तो मूवी की शुरुआत इस क्लासरूम से होती है। हमेशा की तरह सभी को पता है कि बेनी के कम मार्क्स आ गए होंगे। अब की बार उसके 0 मार्क्स आए होते हैं। एक लड़की बोलती है, मैम बेनी के 0 मार्क्स आए हैं। लेकिन गलती से टीचर को 0 की जगह 9 सुनाई देता है। बाकी सभी बच्चों के 20 से ऊपर नंबर आए होते हैं लेकिन टीचर बेनी के कम नंबर्स के साथ भी खुश दिखाई दे रही है और बेनी का मजाक बनाते हुए बोलती है, बेनी तुम पहले से बेहतर कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो 9 भी बहुत ज्यादा है। जब भी क्लासरूम में बेनी के नंबर्स बताए जाते हैं सारी क्लास पागलों की तरह हंसने लगती है और ऐसे बेचारे के साथ हमेशा ही होता रहता है। ये बात बस क्लासरूम तक ही नहीं रहती, जब भी किसी को बेनी दिखता है तो वो शरीफ से बेनी का मजाक बनाने लगते हैं। हमेशा लोग बेनी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत मशहूर है लेकिन उसका पीछा तो गलत वजह से किया जाता है। कुछ बदमाश बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं और बेचारे को तंग करने लगते हैं। अब बेनी अपनी जिंदगी से काफी निराश हो गया है क्योंकि उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है, हर कोई उसका मजाक बनाता है। वो इस सब से बिल्कुल तंग आ चुका है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी दुखी होता। इससे बेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और मुट्ठी में चाबी रख के एक लड़के को खतरनाक मुक्का मारता है जिसकी वजह से उस शैतान बच्चे का खून निकलने लगता है। अब प्रिंसिपल बेनी की माँ सोनिया को ऑफिस में बुलाती है और जो आज बेनी ने किया वो सब बता देती है। प्रिंसिपल बेनी के नंबर सोनिया को दिखाता है जो कि सोनिया के लिए काफी चिंता वाली बात होती है क्योंकि अगर किसी भी बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी माँ चिंता तो करेगी कि मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। देखने पर पता लगता है तो वो सभी सब्जेक्ट्स में लगभग फेल ही है। हमेशा बेनी का मजाक बनाने की वजह से बेनी के आत्मविश्वास और उसकी सोच पर बहुत ही बुरा असर हुआ है। वो अपनी माँ को बार बार बोलता रहता है, मम्मी मैं इतना होशियार नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकूँ। लेकिन उसकी माँ बेनी और बेनी के बड़े भाई कर्टिस को हमेशा हौसला देती रहती है। अब एक दिन दिखाते हैं तो बेनी अपनी माँ के पास जाता है और पढ़ाई में मदद मांगता है। अब सोनिया कुछ नोटिस करती है और बेनी को बोलती है, बेटा तुम्हें पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत है। सोनिया को महसूस होता है कि बेनी की आंखें कमजोर हैं क्योंकि पढ़ाई करते वक्त वो छोटे शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। बेनी के चश्मे आते हैं तो उसके तो मजे हो जाते हैं। अब बेनी के नंबर से पहले से बेहतर आने लगते हैं और वो एक स्पेलिंग कॉम्पिटिशन भी जीत गया है। अब एक संडे की सुबह दिखाते हैं तो बेनी जल्दी उठकर एक चर्च में जाता है। वहाँ एक मंत्री काफी अच्छा बोल रहा होता है और सभी का हौसला बढ़ा रहा होता है। वो अपने भाषण में एक डॉक्टर की कहानी बताता है और उस कहानी में बेनी खुद को डॉक्टर की जगह सोचने लगता है और एक समुद्री डाकू को हरा देता है। और अब बेनी की ये कल्पना उसके सामने एक नई दुनिया का रास्ता खोल देती है जहाँ बहुत कुछ सीखने को है। इसके बाद दिखाते हैं बेनी अपने घर जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और अब बेनी की सोच में भी परिवर्तन आ गया है। जैसे कि वो पहले सोचा करता था कि मैं नालायक हूँ, वो अब इस सोच से आगे निकल चुका है और खुद पे विश्वास करने लगा है। अपनी जिंदगी को देखने का उसके लिए अब एक नया रास्ता खुल गया है। लेकिन सोनिया खुश नहीं है क्योंकि उसके दोनों बेटे टीवी देखने में ज्यादा समय बेकार करते हैं। उसको ये देखकर बुरा लगता है और इसीलिए वो एक मनोचिकित्सक के पास जाती है। वो डॉक्टर को अपने डर और चिंता के बारे में बताती है। वो बताती है, बचपन में स्कूल नहीं जा पाई थी और 13 साल की छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। वो डॉक्टर को अपनी और भी चिंताओं के बारे में बताती है और कहती है, मुझे पता चला था कि मेरे पति ने किसी और से भी शादी की हुई है और उस दूसरी औरत के साथ मेरे पति का एक और बच्चा भी है। मैंने अपने पति से तलाक इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के बारे में सोचती रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा पति ड्रग्स की स्मगलिंग करता है तो मैंने उसको छोड़ दिया। तब से मैं अपने बच्चों को अकेले पाल रही हूँ।
बेचारी सोनिया की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। वो बताती है, पैसों के लिए मुझे साफ सफाई का काम करना पड़ता है, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों से छुपा रखी है और इस सब की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इतनी सारी चिंता, फिक्र, इन सब की वजह से वो अंदर से टूटने लगी है और खुद को डिप्रेशन में महसूस करने लगी है। और जब डॉक्टर को पता लगता है कि सोनिया के मन में आत्महत्या करने जैसे ख्याल भी आते हैं, तो वो बोलता है, मुझे लगता है आपको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अब सोनिया इस बात पर थोड़ा गौर करती है, लेकिन आखिर में वो भी हॉस्पिटल में रहने वाली बात के लिए मान जाती है। अब सोनिया अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों में कुछ दिन के लिए डेट्रोइट जा रही हूँ और एक आंटी तुम लोगों का ध्यान रखेगी। सोनिया अपने दोनों बच्चों को पहाड़ी याद करने के लिए बोलती है कि जब मैं आऊंगी तब मैं तुमसे पहाड़ी सुनूंगी। दोनों बच्चे भी अपनी माँ को दूर जाने से मना करते हैं, लेकिन आखिर में उनको अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। जब सोनिया हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको अपने सामान में बैनी का लिखा एक खत मिलता है। खत में स्पेलिंग्स की बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन छोटे बैनी का लिखा खत दिल को छूने वाला है, इसलिए खत पढ़ के सोनिया बड़ी भावुक हो जाती है। अब इसके दौरान दिखाते हैं तो बैनी पढ़ाई में बेहतर होता जा रहा है। अब की बार उसके 25 में से 24 नंबर आए हैं। वो भागता हुआ घर जाता है ताकि उसका ख्याल रखने वाली लड़की को वो अपने नंबर बता सके, लेकिन घर पहुंचकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि घर पर उसकी माँ वापस आ चुकी है। वो अपनी माँ को जोर से गले लगा लेता है और बताता है कि मेरे टेस्ट में काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। और सोनिया भी अपने बच्चे की इस उपलब्धि पर काफी खुश हो रही होती है और उसको गर्व भी होता है अपने बेटे पर। वो अपने बेटे का हमेशा ही हौसला बढ़ाती रहती थी और आज बैनी पढ़ाई में बेहतर भी हो गया है। अब कुछ समय बाद सोनिया को साफ सफाई करने वाला एक नया काम मिलता है। जिसके घर में उसको काम मिला है वो आदमी नई चीजों को सीखने में दिलचस्पी रखता है और साथ ही बहुत दयालु भी है। वो बहुत सारी किताबों से भरा एक कमरा देखती है और वो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। बाद में वो अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके दोनों लड़के बड़े आराम से बैठे बस टीवी देख रहे हैं। वो टीवी बंद कर देती है और बोलती है, अब से तुम दोनों रोज लाइब्रेरी जाओगे और तुम दोनों को हफ्ते में कम से कम दो नई किताबें पढ़नी है और दोनों किताबों के बारे में कुछ न कुछ लिखना भी है। वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलती है, अब से तुम हफ्ते में दो ही दिन टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हो और टीवी देखने से पहले तुम्हें अपना सारा होमवर्क खत्म करना होगा। अब हर बच्चे की तरह दोनों लड़के भी इस बात से बड़े निराश दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी माँ है, माँ की बात को माननी है और लाइब्रेरी चले जाते हैं। वहाँ पर वो किताबें पढ़ने की आदत बनाते हैं और अब धीरे धीरे उन्होंने टीवी से भी पढ़ना और नई चीजें सीखना शुरू कर दिया है। फिर अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए वो दोनों टीवी पर क्विज शोज देखते हैं। नई नई चीजें सीखने के लिए बैनी का प्यार बढ़ता जा रहा है और इस प्यार की वजह से बैनी को स्कूल में बहुत फायदा होने लग जाता है। अब क्लास में एक टीचर पत्थर दिखाता है और बोलता है, बच्चों क्या तुम में से कोई इस पत्थर के बारे में कुछ जानता है? किसी भी बच्चे को उस पत्थर के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन एक बच्चा है जिसको इस पत्थर के बारे में पता है, वो और कोई नहीं खुद हमारा बैनी है। बैनी बोलता है, ये एक ऑब्सिडियन पत्थर है। वो समझाता है कि ऑब्सिडियन पत्थर कैसे बनता है। अब क्लास टीचर इस छोटे से बच्चे के ज्ञान की गहराई को देखकर हैरान हो गया है। वो बोलता है, बेटा तुम क्लास के बाद मुझसे मिलना, मुझे कुछ काम है तुमसे। जब बैनी अपने टीचर से मिलता है तो टीचर बोलता है, बैनी तुमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीख लिया है और ये बैनी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, खासकर के तब जब कोई टीचर उसकी तारीफ करे तो। अब बैनी अपनी क्लास में बहुत ही अच्छा करता जा रहा है। वो इंग्लिश की स्पेलिंग में भी बहुत अच्छा हो गया है और स्पेलिंग का एक कॉम्पिटिशन भी जीत जाता है। लेकिन बैनी को अच्छा करता देख उसकी क्लास टीचर ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही होती है। लेकिन टीचर के पास भी कोई चारा नहीं है, उसको बोलना ही पड़ता है कि बैनी स्पेलिंग कॉम्पिटिशन जीत गया है। अब पता लगता है कि बैनी की क्लास टीचर रंग की वजह से भेदभाव करती है। साल के आखिर में अवार्ड दिए जाने वाले समारोह में स्कूल का प्रिंसिपल बोलता है, इस साल का सबसे अच्छा बच्चा हमारा बैनी है। ये बात सुनकर दर्शकों में बैठे बैनी की माँ और भाई पागलों की तरह खुशी मनाने लगते हैं। वो दोनों बैनी के ऊपर बहुत गर्व करते हैं। बैनी को सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ही बैनी की क्लास टीचर माइक पर आ जाती है और कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जिसकी वजह से उसकी छोटी सोच सभी को पता लग जाती है। वो बोलती है, सभी बच्चों को शर्म करनी चाहिए कि बैनी तुम लोगों से अच्छा कर गया। वो काला भी है और साथ ही उसकी माँ गरीब भी है, फिर भी तुम उससे बेहतर नहीं कर पाए। बैनी की टीचर पता नहीं कैसी टीचर है, वो अपनी भेदभाव वाली सोच को भूलकर बैनी का टैलेंट ही नहीं देख पा रही है। इस बात ने बैनी की माँ को हिलाकर रख दिया है, इसीलिए वो तय करती है कि मैं बैनी का एडमिशन किसी और जगह करवाने जा रही हूँ जहाँ मेरे बेटे के रंग की वजह से कोई उसके साथ भेदभाव न करे और उसके टैलेंट को समझ जाए। दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ। बैनी जैसे टैलेंट वाले बहुत बच्चे हैं जिनको रंग, जात, धर्म इन सब की वजह से धक्के खाने पड़ते हैं और फिर वे बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये भेदभाव कभी ठीक हो सकता है? अगर हाँ तो ये कैसे किया जा सकता है, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अब बैनी का एडमिशन एक ऐसे स्कूल में कराया जाता है जहाँ ज्यादातर बच्चे काले रंग के होते हैं। स्कूल में बैनी के अजीब पुराने कपड़ों के लिए एक लड़का बैनी का मजाक उड़ाता है क्योंकि बैनी के कपड़े आजकल के फैशन के हिसाब से बहुत बेकार हैं।
अब बैनी उस लड़के की भाषा में ही उस लड़के को जवाब देता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। बैनी का यह नया दोस्त फैशन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। वो अच्छे महंगे कपड़े और बड़ी सी टोपी भी पहनता है और इसकी वजह से बैनी की सोच में बदलाव भी आता है। उसको महसूस होने लगता है कि मैं इन पुराने कपड़ों में बेकार लगता हूँ और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अब हर बच्चे की तरह अगर कोई बच्चा अपने दोस्त में नए कपड़े देख ले तो वो घर में भी बोलता है, ठीक ये भी बोलने वाला है, मम्मी मुझको नए कपड़े के लिए कुछ पैसे चाहिए। बेचारी सोने के पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बचाकर वो बैनी के लिए एक नई पैंट लेकर आ जाती है। और अब बैनी को तो देखो ये कितना बदल गया है। बैनी को पुराने समय के दिखने वाली पैंट पसंद ही नहीं आती और अपनी माँ से बहस करने लगता है। वो अपने दोस्त की तरह नए फैशन के कपड़े मांग रहा है, बताओ। लेकिन सोने को ये बात पसंद नहीं आती और वो बोलती है जो लोग ज्यादा फैशन करते हैं उनका दिमाग अच्छा नहीं होता, वो बहुत ही नालायक होते हैं। अब बहसबाजी के दौरान बैनी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहस से पहले उसकी माँ खिड़की को ठीक करने के लिए एक हथौड़ा इस्तेमाल कर रही थी। बैनी उसी हथौड़े को उठा लेता है और अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। क्या लड़का है ये। लेकिन सही समय पर उसका बड़ा भाई बीच में आ जाता है। साफ साफ दिख रहा है कि हमारे शरीफ और अच्छे बैनी की संगति खराब हो चुकी है। बैनी के नए दोस्त उसको एक गैंग के पास लेके जाते हैं और बैनी उनसे एक चाकू खरीदता है। अब एक बहसबाजी के दौरान बैनी का दोस्त बैनी की बहुत बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से बैनी चाकू निकालता है और उस लड़के के पेड़ पर चाकू मार देता है। हालांकि दोनों लड़कों की किस्मत अच्छी होती है, कुछ गलत हादसा नहीं होता क्योंकि बेल्ट पर लगने की वजह से चाकू टूट गया है। डर के मारे बैनी स्कूल से भाग जाता है और यह हादसा उसके लिए एक आशीर्वाद बन जाता है क्योंकि इसके बाद से उसने बुरी संगति छोड़ दी है। इसके अलावा उसको समझ में आ गया है कि गुस्सा करना बहुत ही बुरा है और इससे बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू करना शुरू कर देता है। अब कुछ समय बाद स्कॉलरशिप की मदद से बैनी का एडमिशन एक बहुत ही मशहूर कॉलेज में हो जाता है जिसका नाम येल है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बनती है और उस लड़की का नाम कैंडी है। बैनी अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता में है। वो बोलता है मुझे क्लास में जाकर टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यहाँ येल में भी मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात सुनकर कैंडी अपने प्यारे बॉयफ्रेंड की मदद करने के लिए बोलती है, बैनी अगर टीचर से तुमको कोई दिक्कत है तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो दिन रात पढ़ाई करता रहता है, दिन रात। सभी सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल उसको केमिस्ट्री में होती है। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि केमिस्ट्री उसके उंगलियों में हो जाती है। उसकी मेहनत का फल उसको मिलता है और उसके पेपर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आते हैं। अब बैनी तय करता है कि मैं दिमाग की सर्जरी करने वाला न्यूरोसर्जन डॉक्टर बनूंगा। वो जॉब के लिए जॉनस हॉकिंस नाम की एक जगह पर जाता है और इसी जगह पूरे यूएस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जॉनस हॉकिंस हॉस्पिटल में सिर्फ दो न्यूरोसर्जन के लिए जगह है। अब इस नौकरी को पाना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, सबसे अच्छे और होशियार बच्चे ही इस नौकरी को पा सकते हैं। लेकिन हमारे बैनी ने तो जिद ठान रखी है कि मैं जॉनस हॉकिंस के अलावा कहीं और नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए वो नौकरी के लिए कहीं और कोशिश भी नहीं कर रहा है। अब नौकरी के लिए बैनी का इंटरव्यू किया जाता है और उसका आत्मविश्वास देखकर इंटरव्यू लेने वाला डॉक्टर बड़ा प्रभावित हो जाता है। जब बैनी से पूछा जाता है कि तुम दिमाग का डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो तो हमारा बैनी बोलता है, सर दिमाग हमारे शरीर का बहुत ही खास और दिलचस्प हिस्सा है, मैं दिमाग से जुड़े राजों को जानना चाहता हूं और सारी दुनिया के सामने लेकर आना चाहता हूं। वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, मैं इस दुनिया में कोई चमत्कार करना चाहता हूं और वो भी खुद। अब उसका इतना आत्मविश्वास देखकर इंटरव्यू लेने वाला डॉक्टर बड़ा खुश हो जाता है और बैनी को नौकरी पर रख ही लेता है। यहाँ जॉन सॉकिंग्स में भी बैनी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। बैनी से बड़ा एक डॉक्टर बैनी को बोलता है, तुम कोई इतने खास नहीं हो और हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये सीनियर डॉक्टर भेदभाव करने वाला इंसान है। वो डॉक्टर बैनी को बोलता है, अब से तुम्हें जो करने को बोला जाएगा तुम वही करोगे। बेचारे बैनी को खांसी जुकाम वाले मरीजों को देखने का काम दिया गया है। एक दिन कोई इमरजेंसी केस आता है कि अभी की अभी मरीज की सर्जरी करना जरूरी है, ये जिंदगी और मौत की स्थिति है। सर्जरी करने वाला कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, अगर जल्दी कुछ न किया जाएगा तो मरीज के साथ कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। वहाँ पर सर्जरी करने के लिए केवल बैनी ही है, लेकिन उसके पास सर्जरी करने के लिए लाइसेंस नहीं है। वो बिना लाइसेंस के ऐसे किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी को दांव पर लगाते हुए वो ऑपरेशन करता है और मरीज की जान बचा लेता है। अब बैनी का बड़ा डॉक्टर बैनी को ऑफिस में बुलाता है। बैनी को लग रहा होता है कि जो ऑपरेशन आज मैंने बिना लाइसेंस के किया उसके लिए मुझको आज बहुत डांट पड़ने वाली है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब एक जान बचाने के लिए उसका सर उसकी तारीफ करता है। और फिर हॉस्पिटल में बैनी का काम ऐसे चलता रहता है। अब दिखाते हैं तो हॉस्पिटल में एक पति पत्नी आते हैं और जागते हुए भी उनकी बेटी को हमेशा कुछ दौरे पड़ते रहते हैं। बाकी डॉक्टर्स को लगता है कि उस बच्ची के दिमाग में थोड़ी कमी है, लेकिन बैनी बोलता है कि आपकी बेटी का इलाज हेमिस्पेक्टोमी से किया जा सकता है, इसमें हम दिमाग का एक ऐसा हिस्सा निकाल देंगे जिसकी वजह से आपकी बेटी को दौरे पड़ते हैं। वो आगे बोलता है कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह सर्जरी बहुत ही जोखिम भरी है, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होने के भी चांसेस हैं और आपकी बेटी को लकवा मार सकता है या फिर उसके बोलने चलने की शक्ति भी कम हो सकती है, यानी कि अब बैनी जो सर्जरी करने वाला है ये बहुत ही रिस्की है। उसने आज तक इतनी बड़ी सर्जरी कभी नहीं की, लेकिन फिर भी वो इस चुनौती को अपनाना चाहता है और छोटी बच्ची का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन से पहले वो काफी चिंता में दिख रहा है। वो अपने घुटनों पर बैठ के भगवान से दुआ करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। आखिरकार अगले दिन वो ऑपरेशन शुरू करता है।
वो बच्चे की सर्जरी बहुत ध्यान से करता है और कुछ समय बाद ऑपरेशन हो जाता है। अब ऑपरेशन के नतीजे का इंतजार है। बाकी के डॉक्टर छोटी बच्ची को होश में लाने की कोशिश करते हैं। सभी लोग काफी चिंता में हैं और हर सेकंड के जाने के बाद सभी को धक धक हो रही होती है कि अब क्या होगा। बच्ची होश में नहीं आती, इसलिए बच्ची को ऑपरेशन वाले कमरे से किसी दूसरे कमरे में पहुंचा दिया जाता है। अब बैनी बच्चे के माँ बाप से मिलता है और बोलता है, हमें कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि आपकी बच्ची कभी बोल और चल पाएगी या नहीं। लेकिन तभी चमत्कार होता है, बच्ची जाग जाती है और अपने मम्मी पापा को बुलाती है। आज बैनी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती में से एक जीत गया है। इस खतरनाक सर्जरी के बारे में समाचार वालों को पता लगता है। इंटरव्यू के दौरान बैनी के साथ छोटी बच्ची के मम्मी पापा खड़े होते हैं और वो बताता है कि कैसे उसकी छोटी सी पेशेंट की सेहत बिल्कुल अच्छी हो गई है। वो साथ ही बोलता है, हमारा दिमाग शरीर का बहुत ही चमत्कारी हिस्सा है, उसकी वजह से ही छोटी बच्ची की अच्छी से सर्जरी हो पाई है और आने वाले समय में हेमिस्पेक्टोमी जैसी सर्जरी सभी के काम आएंगी। अब बैनी अपने काम से जुड़ी जिंदगी को तो अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ खास नहीं चल रही है। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बुरी घटना होती है। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। वो अपनी पत्नी के साथ काफी समय बिताने लगता है और अपनी पत्नी का ख्याल रखने के लिए बेड के पास बैठता है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है, आपको वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी वो हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन अपने बच्चों को खो देने वाली बात सोचकर वो बड़ा टूट जाता है। अब बैनी की माँ सोनिया अपने बेटे को दिलासा देते हुए बोलती है, बेटा तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो और मुझे भरोसा है तुम जो चाहते हो तुम वो जरूर पूरा करोगे। अगली सुबह वो अपने काम पर जाता है और बैनी की जिंदगी की सबसे मुश्किल सर्जरी आज होने वाली है। बैनी को जर्मनी बुलाया जाता है ताकि सर से जुड़े दो बच्चों को अलग किया जा सके। ये सर्जरी जितनी मुश्किल दिख रही है, इसको करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। शुरू में तो सर्जरी के इतना मुश्किल होने की वजह से बैनी इस केस को लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो पूरी दुनिया में इकलौता ही एक ऐसा डॉक्टर है जो इस ऑपरेशन को कर सकता है, इसीलिए वो जोखिम उठाता है और दिन रात इस केस से जुड़ी पढ़ाई करता रहता है और जुड़वा बच्चों को अलग करने के तरीके को ढूंढता रहता है। वो ऑपरेशन के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करता है। आखिर वो दिन आ जाता है जब जुड़वा बच्चों के माँ बाप जर्मनी से आते हैं। डॉक्टर बैनी के साथ 50 डॉक्टर और मदद करने वाले लोगों की टीम है। सभी ऑपरेशन के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान कोई मशीन खराब होने पर उस मशीन जैसी और भी मशीन रखी गई है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब इस ऑपरेशन के लिए पूरी टीम प्रैक्टिस करती है ताकि असली ऑपरेशन के समय कोई गलती ना हो। इस केस में कैसी भी छोटी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर्स को दो ग्रुप में बांट दिया जाता है और सभी जुड़वा बच्चों को अलग करने के मिशन में लग जाते हैं। ऑपरेशन सुबह 7:15 पर शुरू होता है। यहाँ ऑपरेशन में चेस्ट से जुड़ी सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स भी हैं। बच्चों के शरीर से ज्यादा खून न बहे, इसके लिए पहले तो बच्चों के दिल के पास ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद बच्चों के जुड़े सर को अलग करने का मिशन शुरू होता है। डॉक्टर बैनी को ये ऑपरेशन 1 घंटे में खत्म करना होगा, लेकिन अगर ऑपरेशन 1 घंटे से ज्यादा लंबा चला तो हो सकता है कि बच्चों के दिमाग हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ऐसा होना ऑपरेशन की नाकामी होगी। लेकिन हमेशा की तरह हमारा डॉक्टर बैनी इस समय पर ऑपरेशन को पूरा कर लेता है और अब बैनी बच्चों के माँ बाप से मिलता है और बताता है, आप दोनों के बच्चों का मुश्किल ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको सच में मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।